पर मसला क्या है कि ये हर जगह हमारी मस्जिदों के अंदर बता रहे हैं कि यहाँ पर मूर्तियाँ दबी हुई हैं, तो देखो बहुत सी मस्जिदें कहाँ तक खोदेंगे, कब तक खोदेंगे, कहाँ से एक दिन आपर में ये खुद थक के बैठ जाएंगे। नहीं तो कहते हैं कि काशी मथुरा अयोध्या ये तीन लेंगे, हमें तीन दे दो तुम। अभी आपने देखा होगा कल इन्होंने धरना दिया है कुतुब मीनार के ऊपर। अच्छा वहाँ भी धरना दे दिया। हाँ कल धरना चल रहा था, मैंने आज वीडियो देखी, एक वीडियो में आया वहाँ पर ये लोग, आज उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। अब ये कल को और मस्जिदों पर धरना देंगे जा करके, जैसा कि अब ये समझ लो हमारी ये फतेहपुरी ईदगाहें कल ये यहाँ के कहने लगे, हमारे घर को कहने लगे, यहाँ तो हमारा मंदिर है, तो मंदिर थोड़ी हो जाएगा वहाँ, जो हकीकत जो जहाँ है वो वहाँ रहेगी। देखो जी ज्ञान भाई का तो ऐसा मसला है, ये ज्यादा कुछ तो मैं बोलना नहीं जानता। अयोध्या मंदिर उन्होंने बनाई दिया, हक भाई वहाँ मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया, ऐसा तो कुछ नहीं। मस्जिद को तोड़ के मंदिर ही बनाया गया। अगर ये मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाओगे तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? विरोध तो रहेगा, दिल से नहीं कहेंगे तो मन तो हमारा रोएगा भाई। इनके हाथ में सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। यानी तानाशाही है। तानाशाही पूरी चल रही जी, पूरा भेदभाव है। अच्छा जी तो क्या लग रहा है चाचा, अगर ज्ञान वापी पे भी फैसला आता, आप कह रहे जैसे बाबरी नहीं भूले, अगर ज्ञान वापी भी मंदिर बन जाता है तो भूलेंगे या याद रहेगा? नहीं देखो ना तो भूलेंगे ना याद रखेंगे, क्यों नहीं याद रखेंगे, अगर याद रखेंगे तो हम जेल जाएंगे। अगर हम किसी तरह की बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी तो हमें करनी नहीं है, हमें तो जहाँ तक है समर्थन करना है जज का। कोर्ट साहब जितनी भी हमें कोर्ट जो है जितने हमें फैसले दे रही है हमें सारे मंजूर हैं इस टाइम तक। अभी तक हमारे किसी बच्चे ने कोई आपको क्या, जिस टाइम राम मंदिर का फैसला आया था आज तक कोई मुसलमान बच्चा बोला, किसी ने कोई बदतमीजी बोली? सब ने दिल से स्वीकार किया है। नहीं कुछ लोग कह रहे थे अगर सरकार आएगी तो मंदिर तोड़ देंगे, जब नहीं कुछ नहीं, ये जो ये तो कुछ लोग सालों में हुआ करते हैं, हर समाज के अंदर कुछ बेवकूफ़ पैदा होते हैं, वो बेवकूफ अपनी अपनी बेवकूफ़ी करते हैं। जिन लोगों ने ये कहा कि हम मंदिर को तोड़ेंगे, गलत कहा उन्होंने सरासर। मैं ये जानता हूँ कि जहाँ मंदिर बना हुआ है बना रहेगा, जब मस्जिद बनी है बनी रहेगी। अभी आज मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर तेजू महल बताया गया, आगरा के ताजमहल, कौन नहीं जानता उसको, बताइए। ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि ताजमहल है, उसे दुनिया जानती, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत इमारत है वो। अब आप उसको तेजू महल बता के वहाँ हंगामा करने लगे तो ये आप अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए अगर ये एक पक्ष को खुश करने के लिए फैसले ले रहे हैं तो ये इनकी कहीं हद तक ये बात नहीं चलेगी। 2024 में जनता बहुत अकल से बहुत सूझबूझ से अपना फैसला सुनाएगी और जनता के फैसले से इनको राजी होना चाहिए तमाम हमारे नेतागणों को, और जनता सबक सिखाएगी कि किसी की धर्म स्थल को तोड़कर क्या करना है, ये जनता सिखाएगी आने वाले वक्त में। आज हमारे हिंदू समाज के भाई भी हमारे साथ बराबर से कंधा मिला करके चल रहे हैं, हम बहुत सी वीडियो देख पा रहे हैं, हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। कभी हम किसी का ना ऐसे गलत तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आज हम जो हैं वो सिर्फ हम अपने देश के बचाने के हित में हैं। आज किसी भी मुसलमान को तुमने कहीं नाजायज बोलते हुए नहीं देखा होगा, किसी 50 मुसलमानों ने एक किसी भाई से ये नहीं कहा होगा तू अल्लाह अकबर बोल, क्योंकि देश जब दो आदमी लड़ते हैं तो नुकसान होता है हमेशा। हम लड़ाई के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और हम चाहते हैं हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे और देश अपने समाज की हित के अच्छे अच्छे काम करें। क्या लग रहा है चाचा, तरक्की हो रही है केवल मंदिर हो रहा है पिछले नहीं, अभी तक देखो जी मंदिर जो हो रहा है वो कुछ लोग कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज के बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। हमारा जितना ये क्षेत्र लगता है आज भी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में मिल के रहते हैं, हमें यह किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है और हमारा समाज आज भी मुस्लिम समाज हिंदू समाज के साथ चल रहा है। जो नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई वो झूठ वूट का नारा है सबका साथ सबका विकास? सबका साथ सबका विकास जब होता है जब सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारी ये दो आंखें अगर एक आंख के अंदर तिनका गिर गया तो एक आंख हमारी दुख से बंद हो जाएगी, तो पता लगा एक खुली रहेगी, हम चाहते हैं हमारी दोनों आंख खुली रहें। हम चारों समाज के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चले, जब होता है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबके विकास में चलते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आने वाले समाचार, अभी आने वाले हैं इलेक्शन, अब पता चलेगा कौन किसको क्या कर रहा है, किसका फैसला कहाँ होगा, ये कल आने वाली जनता फैसला करेगी। इसकी उम्मीद लग रही है इस बार प्रधानमंत्री? अभी देखो अभी प्रधानमंत्री किसकी, मैं तो पहले भी आपसे बता चुका हूँ, मैं तो राहुल गांधी जी के पक्ष में हूँ, कांग्रेस के समर्थन हूँ, कांग्रेस को वोट दिया करता हूँ, कांग्रेस का साथी हूँ। पर चाचा उनका गठबंधन टूटता जा रहा है, नीतीश कुमार थे वो भी चले गए, ईडी सीबीआई सबके पास तो ईडी जा रही है आजकल। लेकिन नीतीश जी हो या कोई भी बड़े मंत्री है, कोई भी बड़े नेतागण है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं आज, और अपने फायदे के लिए जनता को लड़ाते हैं, अपने वोटों को हासिल करते हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, वो उनका काम है, जनता अपना काम करेगी। क्या कहेंगे चाचा, एक तरफा हो रहा है काम, ये सबका साथ सबका विकास बोलो, हो रहा है। बोलो बोलो बोल दो
सबका साथ विकास कहाँ हो रहा है जी, सब परेशान है इस टाइम, कुछ नहीं हो रहा। बताओ क्या हो रहा, क्या क्या दिक्कतें रही? सारी दिक्कतें ही है, जैसे गरीब गुरबा सब परेशान है, बेघर हो रहे, लाइट इनके घर में नहीं है, सबका विकास बताते रहे ये। बताओ क्या हो रहा, तो कि हमने आवास दे दिए सबको, लाइट दे दी हमने। बताओ यहाँ जितने भी खड़े, किसी को एक को मिला हो बताओ, किसी को मिला भाई घर अपना? अच्छा, किसी को मिला है? किसी से मालूम करो, कोई योजना नहीं मिलती इनको। अच्छा, जाते हैं कार्यकर्ताओं को धक्के देते हैं के बजाओ यहाँ कुछ नहीं है, अधिकारी ऐसे बैठे। अच्छा, भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं है, योजनाओं में भेदभाव, योजनाओं में भेदभाव है सारा। अच्छा, कुछ भी तो नहीं, हमारे मुसलमान भाई तो सब परेशान है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर किसको मौका देंगे इस बार? किसको मौका देंगे? जिसे ऊपर वाला चाहेगा उसे देंगे मौका। अच्छा, अगर ऊपर वाले ने फिर मोदी को चाह दिया? मोदी को अगर चाहेगा तो 10 साल है जेल, तो 5 साल फिर झेल लेंगे मोदी को। अच्छा, झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, बिल्कुल झेलेंगे जी। महंगाई तो झेल ही रहे, रोजगार है नहीं, पेट के जाड़े तो झाड़ नहीं है इन लोगों को। अच्छा, क्या कहोगे जी, ऐसा ही है क्या? ऐसा ही सुविधा उविधा कुछ मिली नहीं 9.5 साल? कुछ ना भाई, कोई सुविधा नहीं, परेशान ही परेशान है जब सब पिए बैठे। अच्छा, और पहला मजा आ रहा था? पहला मजा आ रहा था, तो परेशान कैसे हो गए? परेशान ही है सब पता तो मैं। अच्छा, काम नहीं चल रहा? कोई काम नहीं। क्या काम करो? मैं चिड़ाई का करा करूँ भैया। अच्छा, तो मजदूरी मिल रही नहीं टाइम पे? जब काम ही ना कर पाता कोई, किसी का इल्ला रोजगार ही ना, क्या करे? तो मकान नहीं बनवा रहा कोई? मकान बनवाने बंद हो गए क्या? बंद हो गया मामला भैया। तो किसे मनाओगे प्रधानमंत्री इस बार? भाई का कुछ पता नहीं। नहीं, आपका मूड क्या है? वो मशीन सब गिरेगी तो वोट, ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, ना इनका नंबर नहीं आता कहीं तक, कहीं लोग कहीं से नंबर नहीं आता, नहीं सब पाया भैया, तो फिर तो फायदा नहीं है वोट देने का भी। हम देते ना इनकी देते ही नहीं, हमारा यकीन करे इसकी देंगे जी, बिना यकीन करे हमारा। अच्छा, जब मुसलमान इसकी वोट देंगे जब यकीन नहीं करे, उन्होंने कहा मैं मदद दी नहीं लूंगा। नहीं, वो तो कह गई मुसलमान हमें वोट दे रहे हैं, अभी तो कह रहे, अब कह रहे, अभी तो कह रहे, अब चुनाव का टाइम आ रहा ना, अब बोलेंगे वे। अच्छा, बाद में बोल देंगे फिर कि हमें मुसलमान की वोट चाहिए ही नहीं, मुसलमान हमें वोट देता ही नहीं, हमारी तो सब बेकार जाती है, हमारी वोट कहीं गिनती में नहीं आती, कुछ के तो वोटिंग वैसे ही नहीं मिलने का, हाथ दुखे मारे हुए। अच्छा, क्यों? उनकी वोट ही नहीं बन पाती, काट दी जाती, वोट काट दी जाती है सबकी, और जिसकी है वो बोलेगा भी कहीं तो उसकी वैसे वोट नहीं पड़ेगी। बताओ, तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने? राहुल गांधी आना चाहिए, बिल्कुल राहुल गांधी आना चाहिए, बहुत देख लिया मोदी को तो हमने, अब तो राहुल नया लड़का है भाई, अपना युवा है, आना चाहिए उसको। अच्छा, क्योंकि बहुत दिन हो गए भैया, तो राहुल की सरकार बननी चाहिए, वो जीत तो यार वोट उसी की देंगे भैया। अच्छा, जीत तो यार वोट नहीं जाएगी, वो उसकी किस्मत है, हम तो उसे देंगे भैया। अच्छा, चाचा कह रहे वोट देने का फायदा नहीं क्योंकि ईवीएम तो इनके हाथ में है, वोट दे लो, वोट तो वहीं जाएगी। अगर ईवीएम से इलेक्शन होगा तो हकीकत ये है कि ये लोग नहीं कामयाब हो पाएंगे, ईवीएम से अगर वोट होता तो ये कामयाब होंगे और कांग्रेस जो है वो बिलेट पेपर से कामयाब होगी। ईमानदारी का जो वोट पड़ेगा वो बिलेट पेपर से पड़ेगा, और हम खुद चाहते हैं अब की बार, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा ग्राम ये चाहता है कि वोट जो है बिलेट पेपर से पड़े। अच्छा जी, हाँ, आपको भी लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? देखो जी, ईवीएम में गड़बड़ी तो बड़े बड़े बताते चले आ रहे हैं, लिख रहे हैं वैज्ञानिक, लिख रहे हैं सारी चीजें, तो फिर इस चीज को खत्म क्यों नहीं करते? ईवीएम जहां से बनाए वहां पे इससे वोट नहीं पड़ते हैं, बताइए इसके अलावा कहां पड़ते हैं? हमारा देश जो सर्कुलर देश है, हमारे देश के अंदर जो है सबको अपनी आवाज उठाने का हक है, तो अपनी सब हर आदमी ये कहता है कि वोट जो है आप बिलेट पेपर से कराएं, ये लेकिन ईवीएम से करा रहे हैं, आखिर निकी चल रही है, ठीक है साहब, बस। पर चाचा वो कहते हैं कि जब ईवीएम से चुनाव आयोग ने कहा कि सभी पार्टियों को आने के लिए कहा कि भाई ईवीएम की जांच कर लो, एक भी पार्टी नहीं पहुंची वहां पे। अब ये पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है वो क्यों नहीं पहुंचे, किसको क्या काम था, किसको क्या मजबूरी रही है, वो क्यों नहीं पहुंच पाए, या तो उसका विरोध ना करें, विरोध करें तो जाकर के उसकी फिर चेकअप करें वो लोग, उन्होंने गलती करी इस चीज की, अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, या तो एक चीज पे मुद्दा ना उठाए, मुद्दा उठाए तो उसको पूरा करें जाकर के। जब उन्होंने छूट दे दिए जो चुनाव आयोग साहब ने, आकर के ईवीएम की जांच कर लें आप, तो फिर मतलब पहुंचे क्यों नहीं ये लोग, जाकर इनको जाना चाहिए था वहां पे, उसको जाकर चेक करते वो कि भी इसमें क्या कमी पाई गई है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता अगर चाहेगी तो बनाएगी, पार्टी नहीं बनाएगी कोई भी, जनता अगर चाहेगी तो जनता बनाएगी। वोट में बहुत ताकत है, वोट की चोट जो है वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मैं अगली बार जो है 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री राहुल जी को देख रहा हूँ। उधर से ममता दीदी कह रही कि हम समर्थन नहीं करेंगे, इधर से अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं।
ममता दीदी जी तो अपना आप साथ आ जाएंगे जिस टाइम देखेंगे ना कि हाँ पब्लिक का रुझान कांग्रेस की तरफ आ गया। अभी आप ये देखिए आज के वक्त में छोटी सी चीज है गरीबों के खाने की, क्या चीज, लहसुन। लहसुन आज के डेट में 400 रुपए किलो बिक रहा है, बताओ गरीब आदमी क्या खाएगा उसको। अच्छा जी हाँ, आप कितना लहसुन खाते हो महीने में? अजी महीने में तो मेरे यहाँ कम से कम 250 ग्राम लहसुन लग जाता। अच्छा जी हाँ, यानी 100 रुपए का। जी हाँ, तो महंगाई देखो कितनी हो रही, जब लहसुन 20 रुपए किलो बिकता था आज लहसुन बिक रहा है 400 रुपए किलो। आज आटा देख लो तुम 35 रुपए किलो जा रहा है, जब आटा कितना था 10-12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। अभी पिछली योजना के अंदर जब हम तेल 60 रुपए किलो लाया करते थे, अब तेल 200 रुपए किलो तक बिक गया। आज आप सरसों के तेल का दुकान पर जाके पता करो तो 150 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई सभी तो महंगी हो रही, महंगाई ने जो है यहाँ एक आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, हमारी सरकार को चाहिए कि रोजमर्रा की जो खाने की चीजें इनके ऊपर आदमी को मंदा करना चाहिए ताकि गरीब आदमी सुकून से खा सके। मजदूर पूरी होनी रही है और गरीब आदमी पिस रहा है बेचारा, क्या है। तो महंगाई कम हो जाएगी अगर राहुल गांधी आ जाएंगे? अजी राहुल गांधी नहीं, फिर मतलब अगर वो आ जाएंगे, राहुल कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो कांग्रेस के साथ में टाइम पे बड़ी अच्छी सरकार चला करती थी। अच्छा हाँ जी, आज के दौर में सरकार से महंगाई बहुत हो रही है, पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की। हाँ जी हाँ बिल्कुल, अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। अभी अब अडानी साहब ने कितना सोना दिया राम मंदिर में देख लो, क्या क्या कमी रही इन 9.5 साल में। अरे कमी क्या रहती, बस जो नसीब में लिखा वो होना है, आज के बाद भी और आज से पहले भी, और अब जो हो रहा है ये सब नसीब के खेल है, जो होता है ठीक है। प्रधानमंत्री जी के नसीब में प्रधानमंत्री बनना था, बने बैठे हैं। अभी क्या पता आगे वो बने या दूसरे बने, ये तो ऊपर वाला बताएगा, पब्लिक बताएगी, पब्लिक का जो फैसला होगा वो सिर माथे पे। क्या कहेंगे भाई साहब? भैया क्या कहेंगे, कुछ तो कह दो। यहाँ तुम कह रहे हो गए विकास, विकास कहाँ हो रहा है हमारे? हम तो पूछ रहे हैं, हमने तो कहा नहीं विकास, हमने नहीं कहा विकास। हमारी गली देख लो, खड़ंजे देख लो, कहीं भी कुछ भी विकास नहीं है। हमारे लिए दफनाने के लिए तो कभी विधायक कौन है? विधायक नंद किशोर है जी। अच्छा, उनके पास भी जावे वे भी गौर नहीं देते हमारे इधर इलाके। क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में? कॉलोनी में एक रोड की समस्या है और पानी का निकासी नहीं है कहीं भी, सारा गलियों में भरता है पानी, प्लॉटों में भरता है पानी। और तुम्हारे यहाँ हमारे कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी तो कब्रिस्तान होगी है। अच्छा, हम दूसरे गांव में ले गए जहाँ पे हमें मने कर दें, नुका भैया यहाँ बताओ ले गए, तो बताओ इससे बड़ी परेशानी क्या होगी। मतलब जो है ये मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ विकास हो रहा है? अब तो भी क्या, सबका विश्वास, सबका विश्वास, विश्वास, विश्वास बतावे। अभी वहाँ पे राम मंदिर बनाया, बड़े बड़े दिग्गज आए, लेकिन गरीब आदमी को अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है, तो बताओ। नहीं अब तो सब जा रहे हैं, अब ये तो जा रहे हैं, जब दिग्गज आए शुरू में जब वो खुला गया द्वार उसका, बस सिर्फ बड़े बड़े दिग्गजों ने दर्शन करे हैं। अच्छा, ज्ञानवापी पे भी फासला आ गया, कह रहे कि वहाँ भी पूजा का अधिकार दे दिया गया। वहाँ पे जी देखो सत्ता इनकी है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, अब गरीब आदमी कहाँ लो वो करेगा, बताओ। तो लग रहा कि यानी एक तरफा काम हो रहा है, बिल्कुल एक तरफा काम हो रहा है, तो नारा झूठा है सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठा नारा है ये तो, सब दिखावटा है, वादे झूठे, सारी चीज झूठी इनकी, कहीं भी विकास नहीं है, कुछ विकास नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा वो हो रहा है गैंगस्टर हो रहे हैं, अब रेप ज्यादा हो रहे हैं इस सरकार में, तो कुछ नहीं है इसमें, इस सरकार में कांग्रेस की सरकार सही थी। थोड़ा सा मैं ये भी दिखाना चाहूंगा, ट्रोनिका सिटी में मौजूद है, एक बार कैमरामैन दिखाए ना, तो यहाँ पे सड़कों की हालत है, चारों तरफ यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पर जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी मांग ये भी है कि इनके लिए, इनके पास दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं है और इनके दूसरे गाँव में जाना पड़ता है कब्रिस्तान के लिए, और वहाँ के जो लोग हैं वो मना कर देते हैं कि कब्रिस्तान की आप अपने मुर्दे को यहाँ मत लेकर आइए। और देखिए इनका ये भी कहना है कि विधायक नंद किशोर गुज्जर है, वो किसी तरह का काम यहाँ पे नहीं कर रहे, एक तरफा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। अच्छा अच्छा, बात सुनी जाती है ना विधायक जी? हाँ, विधायक साहब आते हैं, अगर कोई ऐसी बात होती है तो विधायक साहब आते हैं। इस टाइम आने के बावजूद तो बड़े बड़े आश्वासन दे के जाते हैं विधायक साहब हमें, और जो विधायक साहब के टाइम में भी पीछे वो बना था रोड, पीछे वाली गली बनी थी, वो तो जिला पंचायत कौन थे, वो क्या नाम था उनका, बसंत जी, उन्होंने एक गली बनवाई है, वो भी आधी बनी है जी।